सर क्या समस्या है इधर? एक मिनट सर, समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी, दो राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए, तीसरे राउंड में छह ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है, बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है, जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है वो सब संतुष्ट है, बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस, हमने काउंटिंग रुकवा दी है, इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं, छह मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी हैं, काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में छह पोलिंग बूथ खुले हैं जिसमें छह बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है, हमारे जो रिटर्न आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया, ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं तो उस पर काम करना शुरू करते हैं, जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग बंद है, काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है, और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी भी का भी सामना करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुले शाह जी का, श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है।